एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने घर पर किस तरह से खुद से हेयर कट कर सकते हैं तो इसमें जो मैंने हेयर कट किया हुआ है वो लेयर में है तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने हेयर कट किया है तो सबसे पहले आपको अपना हेयर अच्छी तरह से कॉम कर लेना होता है जैसे कि हेयर पर कोई टेंगल ना रहे और उसके बाद पोनीटेल हम लोग नॉर्मली बैक साइड में बनाते हैं बट जब आप लेयर कट करते हैं या स्टेप करते हैं तो आपको पोनीटेल फ्रंट में बनाना होता है तो मैंने भी सेम वही किया हुआ है और उसे आप अच्छी तरह से रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिए और आपका जो हेयर है वो अच्छी तरह से कट हो इसके लिए मैंने दो तीन बार उसे टाई किया हुआ है जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से हेयर कट हो उसके बाद जो लास्ट वाला है एंड उसे मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी तो आप देख सकते हैं ये इतना सा मैंने कट किया है बट जब भी आप हेयर कट करते हैं तो आपको क्या करना है नीचे साइड से थोड़ा सीजर को टिल्ट करके कट कर लीजिए तो उससे आपका हेयर जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत ही नेचुरल दिखेगा कटिंग इसलिए फिर मैं इसे ओपन करूँगी फिर देखना है कि किस तरह से हेयर कट मतलब हुआ है आपका अच्छी तरह से लेयर में है या नहीं है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कट में ऐसा दिख रहा है हेयर नेक्स्ट में आपके ईयर के बैक साइड से हेयर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने भी सेम वही लिया हुआ है कान के साइड से लेना है आपको ऊपर साइड से और जो भी आपका रेस्ट हेयर है बैक साइड में उसे आप पोनीटेल बना लीजिए तो मैं पहले अच्छी तरह से इसे जो फ्रंट में लेना है उसे ले लूँगी फिर मैंने पॉनीटेल बना लिया है तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो हेयर है वो पूरा अच्छी तरह से फ्रंट में आ गया है फिर मैं इसे पॉनीटेल बना लूँगी बहुत ही टाइटली इसे आपको टाई करना होता है तो ये मैंने कर लिया फिर इसे कट करना है तो मैं थोड़ा ज़्यादा हेयर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे कट ही करना था हेयर को एक्चुअली अच्छी तरह से इसलिए बट अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा भी कट कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट टिल्ट करके किया हुआ है जैसे कि हेयर कटिंग नेचुरल दिखे इसलिए और फिर मैंने रबर बैंड ओपन कर लिया है तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये जो फ्रंट वाला कट किया वो ऐसा दिखेगा फिर बैक से लेना है उसके बाद आपका जो हेयर है वो बहुत अच्छी तरह से लेयर में आ जाता है तो ये आप देख सकते हैं उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रंट में हेयर को कट करने के लिए आ, अच्छी तरह से आप फ्रंट हेयर को लीजिए वी सेप में लेना है आपको आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लिया हुआ है उसे भी आपको थोड़ा सा टिल्ट करके कट कर लेना है और बोथ साइड सेम करने के लिए आप इस तरह से सिंगल सिंगल साइड कट कर सकते हैं लाइक दिस आप देख सकते हैं इस तरह से ही इससे क्या होता है ना कि आपका बाल बहुत अच्छा दिखता है कटिंग फ्रंट में अगर कटा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ आपने मतलब पार्लर से ही कटवाया हुआ है इसलिए तो ये आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा दिखता है तो मैं बोथ साइड से कर लूंगी और देख सकते हैं सेम हो गया अब आपका लोअर पोर्शन जो है नीचे का वो अगर आपका बराबर में नहीं है तो आप दोनों साइड से लीजिए हेयर को मतलब बहुत ही अच्छी तरह से सेंटर पार्टीशन करके उसके बाद नीचे आप कट कर लीजिए तो इससे क्या होगा कि आपका हेयर जो है वो एक जैसा दिखेगा पीछे से भी तो ये अब देख सकते हैं मेरा लेयर कट बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है और जब आप बैक साइड में हेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ये स्टेप में भी दिखेगा बट मैंने ज़्यादा स्टेप नहीं किया है ओनली लेयर में ही मैंने हेयर कट किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा दिखता है जस्ट लाइक कि आप पार्लर से आपने करवाया हुआ है आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली थैंक्स फॉर वॉचिंग